में सीएम नीतीश कुमार ने चुनावी सभा को संबोधित किया। गया लोकसभा से एनडीए प्रत्याशी पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के पक्ष में सीएम नीतीश कुमार ने वोट मांगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मंत्री संजय झा, विजय चौधरी हेलीकॉप्टर से चुनावी सभा पहुंचे। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने लालू परिवार पर इशारों में निशाना साधा। बोले 2005 से पहले पति पत्नी ने क्या किया, कोई काम किया था क्या? शाम में कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता था, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य सभी का बहुत बुरा हाल था। वहीं तेजस्वी यादव की नौकरी देने के दावे पर भी सीएम नीतीश कुमार जमकर बरसे। अब आप सोचिए कि उसके पहले जिन लोगों का राज था, पति पत्नी 15 साल, अरे हम तो मात्र 7 दिन के लिए उसमें थे, लेकिन आप सोच लीजिए कि क्या किया इन लोगों ने, कोई काम किया है? शाम में आप याद कर लीजिए, हम तो सब जगह ना घूमते थे जी, यहां भी हम आते थे घूमने के लिए, और शाम हो जाता था तो शाम होते ही कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। हम तो देख रहे हैं 4-5 की बात, हमारा अनुभव, कोई घर से डर के मारे नहीं निकलता था, यह हालत था। वही सब हो रहा था। अब आजकल कहता है कि भाई हम ही लोग कराए, वो कराया है, आप बताइए तो वही कराया है, यही सब कोई मतलब है? कोई मतलब है? आज जिसको मंत्री बनाए हुए था वो जानते हैं हर चीज को रोकता था, लेकिन हम तो मुख्यमंत्री थे, जबरदस्ती कहते हैं क्यों रोके हुए हैं, उसको हम तुरंत अपनी तरफ से कराते थे। तो ये सब बात तो, अब बाद में जो हम देखे कि गड़बड़ सड़बड़ कर रहा है, आ इधर से उधर कर रहा है, हम तो छोड़ दिए, आ फिर पुरानी जगह पर आ गए जहां 5 के पहले से हम साथ। चलिए, तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, यहां पर जमकर बरसते हुए सीएम नीतीश कुमार नजर आए हैं, ये कहा जाए कि लालू और रावड़ी के शासन काल तक पर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। देखिए, नीतीश कुमार का आज चुनावी दौरा था और औरंगाबाद और गया में, और जमकर बरसे, नाम न लिए बिना लालू परिवार पर निशाना साधा, और एक एक परिवार से कई कई लोग चुनाव लड़ रहे हैं इस बात का भी जिक्र किया, और अप्रत्यक्ष तौर पर सीधा सीधा बताया कि किस तरीके से अराजक की स्थिति है, तमाम सारी बातें हैं। तो जम कर निशाना साधा, कई सारे सवाल जो है खड़ा किए, 2005 से पहले की राजनैतिक स्थिति और विधि व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा किए और तमाम बातें कहीं। लेकिन दूसरी ओर अगर आप देखें तो इस बात को लेकर अब जो विपक्ष है यहाँ पे वो निशाना साध रही है। अब देखिए, जिनके पक्ष में वो प्रचार करने गए हैं और जहाँ पे वो परिवारवाद को लेकर बातें कर रहे हैं, वहाँ पे खुद अगर आप देखिए, जीतन राम मांझी, उनकी समधन जो है वो विधायक हैं, उनके बेटे जो हैं वो विधायक मंत्री हैं, तो इस तरीके से। और दूसरी ओर अभी आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए थे यहाँ पे चुनाव प्रचार को लेकर नवादा में, तो वहाँ पे कोई भी परिवारवाद का नाम न लेके तमाम बातें दूसरे तरीके से अपनी उपलब्धियाँ गिनाई और साथ ही साथ RJD पर निशाना साधा और लालू प्रसाद पर। लेकिन अब यहाँ पे जो मीसा भारती हो या फिर तमाम RJD के लोग हों, वो अब इस बात को लेकर उल्टा निशाना साध रहे हैं कि यहाँ पे जब खुद CP ठाकुर के बेटे खड़े हैं BJP के उम्मीदवार के तौर पे, तो वहाँ परिवारवाद की बातें नहीं हो रही हैं। तो इस तरीके से देखिए, चुनाव है, चुनाव में अपने अपने तरीके से, अपने कंफर्ट जोन में, अपने अनुसार चीज़ों को लोगों के बीच में प्रीति रख रहे हैं तमाम सारे राजनीतिक दल और उनके शीर्ष नेता। और इसी कड़ी में यहाँ पे जो नीतीश कुमार हैं मुख्यमंत्री, आज उनका दौरा था और दोनों जगहों पर उन्होंने उपलब्धियां गिनाई और किस तरीके से बताया कि उन्होंने राज्य में विकास की गति को तेजी देने को लेकर किस तरीके से काम किया है, और साथ ही साथ 2005 के पहले की क्या कुछ स्थिति थी, ये पूरा बात कहते हुए RJD सरकार पर निशाना साधा। बिल्कुल रजनीश, और देखिए एक बार और यहाँ पर वो जिक्र करते हुए आए, यानी कि सीधे तौर पर तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कई ऐसे काम थे जिन्हें करने से रोका जाता था, लेकिन मैंने उन काम को करवाया है, और इसी बात का जिक्र तेजस्वी भी कई बार करते हुए नजर आते हैं कि चाचा जी तो पलट गए लेकिन जो काम हमने किया वो चाचा जी ने नहीं किया। तो ये कहे कि ये होड़ भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, और सीएम नीतीश कुमार हर मंच से एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि आखिर उन्होंने क्यों RJD का साथ छोड़ दिया।
देखिए प्रीति, ये राजनीति है, चुनाव सामने में है, हम अच्छे हैं बाकी सब खराब है, और ये कोई पर्टिकुलर राजनीतिक पार्टी की नहीं, हर पार्टी की यही कोशिश कबायद है। यही बीजेपी अभी जब आरजेडी के साथ थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो उनको लेकर 20 निशाने साधते थे और ये कहते थे कि देखिए दिल्ली से आएगा, गलत और झूठ बोल कर जाएगा। तो इस तरीके से देखिए जेडीयू की स्थिति ये हो गई है, अगर पब्लिक में हम लोग बीच में जब जाते हैं तो जैसे ऑडियो टेप जो पहले चलता था कि साइड ए और साइड बी, एक और बीजेपी है दूसरी ओर आरजेडी है, और जो टेप का कैसेट का नाम होता था वो है जेडीयू, थोड़े दिन बाद वही उलट के पलट कर इधर चला लेते हैं, फिर मन भर जाए तो फिर दूसरे ओर का गाना सुन लेते हैं। उसी तरीके के बयान है कि जब आरजेडी के साथ होते हैं तो बीजेपी पर निशाना साधते हैं और केंद्र सरकार और तमाम सारी बातें, और जब उनके साथ है तो फिर आरजेडी की बात करते हैं और इन पर निशाना साधते हैं। तो बहरहाल चुनाव है सामने में, हर किसी को अपनी उपलब्धि और दूसरों की कमियां खामियां गिनाने का और लोगों के बीच में अपनी बातों के जरिए उनको प्रभावित करने का ये एक मौका है। चुनाव प्रचार इसलिए होता भी है, जब तक कि जो चुनाव है उसके दो दिन पहले जब जनता को अपने मन बनाने का एक समय न मिल जाए। और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जमकर अपनी बातों को रखते हुए उपलब्धियाँ गिनाई हैं औरंगाबाद और गया में, और साथ ही साथ आरजेडी पर निशाना साधा है, और उस दौर को भी याद कराने की कोशिश खास तौर पे हो रही है युवा वर्गों में, जो कि 2005 के पहले की चीज़ें न देखे हों। तो इस तरीके से अपनी बातों को रखते हुए लोगों को अपने पाले में गोलबंद करने की कोशिश जो है वो चल रही है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लालू परिवार पर परिवारवाद को लेकर और साथ ही साथ विधि व्यवस्था को लेकर उनकी सरकार के समय के इन बातों का हवाला देते हुए और विकास के कार्य को अपने खाते में गिनाते हुए लोगों के बीच उनको अपनी बातें रखते हुए वोट की अपील कर रहे थे। बिल्कुल अजनीश।